स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया दा। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं सिंगापुर के फायदे नहीं पता, तो यह भी नहीं पता कि सिंगापुर किन्ने क पैसों के जाया जा सकता। बहुत ही नॉमिनल जी अमाउंट के स्टूडेंट्स सिंगापुर जा सकते हैं। की प्रोसैस है, की फायदे ने, तो की अमाउंट थोनू स्पेंड करनी पेगी, सारिया गल् अज के शो के शेयर करा। साढ़े मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेसन के मैनेजिंग डायरैक्टर अमरजीत सिंह कंवर, स्वागत है जी। थैंक यू जी, प्रोग्राम देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्रीकाल। सो सब तो पहला मैनू लगता है टाइटल देख के बहुत सारे स्टूडेंट हैरान होंगे, 3.5 लाख के सिंगापुर किवें वाकई पॉसीबल हैगा। सर डेफिनेटली पॉसीबल है जी, सिंगापुर के 3.5 नहीं, लोग 2 लाख च भी पॉसीबल की ऐड लाते हैं। सो हैरान वाली कोई गल नहीं है, हो सकता कईयों नूं महंगा लगता होगा मेरी ऐड का देखना, बट फर्क है बहुत बड़ा। ब्रॉडवे जिहड़े कॉलेजेस नाल कम करती है जी, वो सारे अप्रूव्ड कॉलेजेस होंदे आ, एडूट्रस्ट इंस्टीट्यूट्स होंदे आ, और इदां दे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट होंदे आ जिन्हां दे विच तुहानूं कदी जाके प्रॉब्लम नहीं आउंदी। बहुत सारे बच्चे इदां दे कॉलेजां च जांदे ने, बाद चो ओह कॉलेजां दे विच कोई पढ़ाई नहीं हुंदी, चज नाल कोई इंटर्नशिप OGT वगैरह नहीं मिलदियां, और वह नुकसान चलते हैं। क्योंकि सिंगापुर दे विच एक ब्यूटी की है कि तुसीं जिन्ना क पैसा ला के जाते हो उन्ना ही तुसीं कमा सकते हो। हर कोर्स दे नाल OGT हुंदी है, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग होंदी है। सो 6 महीने तुसी पढ़ते हो, 6 महीने जॉब करते हो, सो तुहाडा जिहड़ा बैलेंस आ बनिया रहना चाहिए। सो बहुत सारे कॉलेज इदा दे आ जिहड़े आ कह के तुहाडा वीज़ा लवाउंदे ने, बट उत्थे जाके तुहानू ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, और उत्थे तुसी सस्तियां फीसां दे चक्करां च चले जाते हो। सो सिंगापुर च जे जाना है आपां, तो आह चीज़ां का ध्यान रखना जरूरी है कि इंस्टीट्यूट अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे साडे कॉलेजेस इदा दे ने जिहड़े पाथवे प्रोग्राम दिंदे ने, मतलब बच्चा उत्थों पढ़ के अगे UK या ऑस्ट्रेलिया वर्गियां जगह दे उत्ते भी अपना सब जिहड़ा जाण दा जिहड़ा मकसद है वह पूरा कर सकदा, अगर इत्थों एलीजिबल नहीं हैगा। सो इदां दीआं पॉसिबिलिटीज़ दे नाल तुसीं इन्नी क कॉस्ट है जिहड़ी वह बेयर कर सकदे हो, और वह वर्थ भी करदी है, और उस पढ़ाई का भी फायदा। दूजा फायदा आया कि सिंगापुर दे विच तुहाडे गैप वड्डे वड्डे एक्सेप्ट हो जाते हैं, 10-10 साल के गैप तो बाद भी वीज़ा आता है। किसी तरह का IELTS PT डुलिंगो या +2 के इंग्लिश के नंबर किसी चीज़ की लोड़ नहीं होंगी, कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं गा, कॉलेज इंटरव्यू नहीं गा। सो सीधा सीधा तुसी अपना 15 to 20 दिन वीज़ा लैके तुसी अपने मकसद पर पहुँच सकते हो। इस तो इलावा तुहाडे जिहड़े खर्चे रह जाएंगे वो एम्बेसी फीस है, ये कंसल्टेंट की फीस है, या फिर तुहाडी एयर टिकट है, वह भी सारे खर्चे आपां विच पा लईए तां वी 5 लाख के लागे छागे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं बनती एक जेन्युइन राइट और रिप्यूटेड कॉलेज के विच जाण दी। सो पाथवे प्रोग्राम्स भी ने, बहुत सारिया ओपरचुनिटीज़ ने, तो प्रोफाइल तो कॉलेज की सिलैक्शन भी बहुत सारिया चीज़ा डिपेंड कर दिया ने। जे तुसी इंटरस्टिड हो पाथवे प्रोग्राम की डिटेल समझ च, तो 90238 90238 ते कॉल कर सकते हो, ब्रॉडवे की टीम नाल अपना प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद। स्टडी वीज़ा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़ कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल, तो मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।